आज हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल लेक्चर के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसका सब्जेक्ट है इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ मीडिया। आप सब लोग बड़ी जर्नलिस्ट हैं, पढ़ रहे हैं मास कम्युनिकेशन और आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं, तो हमेशा ये अच्छा रहता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से वक्त वक्त पर इंटरेक्ट करते रहें जो कि मीडिया में ना केवल बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, एक्टिव जर्नलिस्ट रहे हैं और मास कम्युनिकेशन के वेरियस फील्ड्स में जिन्होंने बहुत काम किया है। तो आज हमारे बीच में है श्री केजी सुरेश जी। नाम आपका केजी सुरेश, लेकिन आपकी पहचान बहुत तरह से है। अवस्थी जी पहले ही पुनः उनका स्वागत कर चुके हैं। केजी सुरेश के व्यक्तित्व के बारे में, उनके अनुभव के बारे में विस्तार पूर्वक डॉक्टर उतरिया आपके समक्ष रखा। मैं सुरेश जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनसे आज के समय में जो मीडिया के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहा है उसके विभिन्न पहलुओं पे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको अवगत कराएं। अब मीडिया का बदलता आयाम ये विषय है। मैं सबसे पहले कुछ समझना चाहता हूँ कि हमने में से कितने लोग रेगुलरली अखबार पढ़ते, बी ऑनेस्ट, जस्ट वन हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली? That's it. 4-5. They're all media students. I must mention that here I am really very delighted to see a very old friend like Avasthi ji. In fact, we have done a lot of city government reporting together. Including, I think, during Sahib Singh Verma's regime, we have been together on several occasions. So, but I am frankly speaking a little disappointed if this is the real thing. I think all of you are students of mass communications, and if you don't read newspapers, then it's something that not only you should be worried about, you and I am worried. Because today what is happening is that increasingly, people are writing without reading, and a lot of people are speaking without listening. ये हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ी तहरी हमारे मीडिया इंडस्ट्री ग्रसित है। हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप में से कितने लोग न्यूज को वेब में पढ़ते हैं, इंटरनेट? चलो समझिए, बट आई थिंक यू शुड मेक इट ए डेली हैबिट टू रीड द न्यूज़पेपर्स। दैट शुड बिकम, इसे कहते हैं कि इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू देन फ्रैंकली स्पीकिंग यू हैव नो राइट टू बी जर्नलिस्ट। So you should be aware, that is very important. How many of you are on social networks? Facebook, Twitter, well, unexpected lines. But if you are not there, again it's a matter of worry. Those who did not raise their hands. Kyunki in this era, you should be there. Hum isliye char vishayon par baat karenge media mein. Sankshipt mein, samay ki kami hai. मैं हर विषय में 10-15 मिनट लूंगा। चार विषय हैं मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण। वन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आया है कि पहले जो टेक्नोलॉजी था उसमें कई बार अखबार दिल्ली में छपती थी, एक दिन या दो दिन बाद वो अखबार कई दूर दराज के शहरों में
कस्बों में पहुंचती थी, तब जाके लोगों को पता चलता था। आकाशवाणी हुआ करती थी लेकिन क्रेडिबिलिटी का सवाल था। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लोगों ने उस खबर को तभी यकीन किया जब बीबीसी में वो खबर आई। सो ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन नेवर हैड दैट काइंड ऑफ ए क्रेडिबिलिटी। और दूरदर्शन भी था आपका, बड़ा लिमिटेड टाइम तक टेलीकास्ट हुआ करता था और उसमें ज्यादा दिखने को मिलता था कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपको मेन बुलेटिन, आपको 24/7 बुलेटिन आज जैसा है वो नहीं दिखता। मीडिया में इतना परिवर्तन आया आप कभी सोच नहीं सकते थे। 24/7 × 365 you have channels, hundreds of channels. It is reported that at least there are 900 channels which are right now. And the number is increasing by the day. ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन इससे बड़ा परिवर्तन आया है आपका इंटरनेट के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से। आज जिस तरीके से न्यूज अवेलेबल है, सोशल मीडिया के आने से मीडिया का एक नया आयाम उभर रहा है। इस आयाम में सिटीजन जर्नलिस्ट का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जहां आपको पत्रकारिता करके पत्रकार बनने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पत्रकार बन सकते हैं, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं कोई इवेंट को। तो हमें सिटीजन जर्नलिस्ट का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट, नागरिक पत्रकार, ये उभर के आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो टेक्नोलॉजी का जो बदलाव है। सो एनीबडी, एक जमाना था जब टेलीविजन तक कैमरा का एक लिमिटेशन था, आज यू कैन बी ए टीवी जर्नलिस्ट, द ओनली थिंग यू रिक्वायर इज ए मोबाइल फोन एंड यू आर द मोस्ट पावरफुल गाय अराउंड। आप कुछ भी जो है इसको दिखा सकते हैं, आप इसमें से कैमरा में शूट कर लिया, यूट्यूब में। पावर ऑफ सोशल मीडिया के बारे में मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा। ये बात है आपके यूएस की, एक बहुत पावरफुल एयरलाइन है वहां, यूनाइटेड एयरलाइंस। आपके जैसे एक युवक, आप अगर यूएस में जाएंगे तो बड़ा रेगुलर एक सीन आपको दिखने को मिलेगा। वहां अक्सर लोग अपने साथ गिटार वगैरह साथ में ले जाते हैं, बड़ा शौक रखते हैं, खुद कहीं भी बैठ जाते हैं और गिटार बजाने लगते हैं, मार्केट में, स्ट्रीट्स में, यूरोप में वगैरह आप देखेंगे बैठे हुए हैं और अपने पसंदीदा गीत गुनगुना रहे हैं। एक साधारण गिटार यूनाइटेड एयरलाइंस के एक पैसेंजर में अपने साथ वो ले जा रहे थे और बैगेज में, चेक इन बैगेज में जब वो गिटार, जब वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो गिटार दो टुकड़ों में वो टूट गया। जैसे आपके साथ भी होगा तो आप जैसे करेंगे वैसे ही उन्होंने भी किया। वो गए एयरपोर्ट के काउंटर में और उन्होंने वहां रख के कहा कि देखिए मेरा गिटार टूट गया है, आप इसका कुछ कीजिए। और यूनाइटेड एयरलाइंस बीइंग यूनाइटेड एयरलाइंस, क्योंकि सबसे बड़ा अमेरिका का एयरलाइन था, उन्होंने कहा सॉरी इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। उन्होंने कहा कि अरे रिप्लेस मत कीजिए, रिपेयर तो करवा दीजिए। कह देंगे सॉरी वी कांट गेट इट रिपेयर। तो फिर आप और हम क्या करते हैं, हम कुछ चिट्ठियां लिखते हैं, कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी कोशिश किया और नतीजा वही, रिस्पॉन्स वही कि द यूनाइटेड एयरलाइंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज टू योर गिटार, वी कैन नॉट रिप्लेस इट। अब इस शख्स ने सस्ता गिटार, इन्होंने एक छोटा सा काम, उन्होंने अपने दोस्त के छोटा सा एक मिनी स्टूडियो टाइप था, वहां गए, एक बहुत खूबसूरत गाना उन्होंने वहां रखे, क्योंकि क्रिएटिव तो थे ही,
एक छोटा सा गीत लिखा और उस गीत को रिकॉर्ड किया अपने कैमरा में और उसको रिकॉर्ड करके उन्होंने यूट्यूब में अपलोड किया और वो गीत था द यूनाइटेड ब्रोक माय गिटार। आप यकीन नहीं करेंगे, इट वेंट वायरल। नतीजा, लोगों का यूनाइटेड एयरलाइंस पर भरोसा खत्म हुआ। जितने गिटार वाले थे उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस से शिफ्ट करके दूसरे एयरलाइन में जाने लग गए। इतना मैसिव रेवेन्यू लॉस हुआ कि यूनाइटेड वाले इस बच्चे के पास आ गए, कहते कि गिटार क्या, गिटार की दुकान खोलेंगे, अब इसको हटा दे। ये टेक्नोलॉजी ऐसा है, एक बार निकल गया तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता। आपने YouTube में डाल दिया तो आपके हाथ में भी फिर नहीं है उसको वापस लेना। फिर वो दुनिया भर के Vimeo में, दुनिया भर के जितने भी साइट्स हैं उस सब में उसको पिकअप किया। यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर, इट हैज गॉन वायरल जस्ट बिकॉज वो एक गिटार को डैमेज नहीं, मतलब उसको रिपेयर नहीं करा सके, उस एयरलाइन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दैट इज द पावर ऑफ यूट्यूब, दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। दूसरा है गूगल। टेक्नोलॉजी में फर्क की बात करता हूं। इनफैक्ट जब विनीता जी जब मेरा इंट्रोडक्शन दे रही थी, मेरे मन में आया, मैं अक्सर जब देश विदेश में कॉलेजेस में जाता हूं तो कई जगह सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का सिस्टम है। यू हैव टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। सो आई जस्ट गो एंड टेल देम के जी सुरेश, गूगल इट, एंड देन दे विल ऑल डू इट ऑन देयर यू नो लैपटॉप्स, देयर मोबाइल फोन्स, एंड दे विल फाइंड आउट। यू डोंट नीड टू गिव एन इंट्रोडक्शन एट ऑल। गूगल बाबा पर आज इतना भरोसा है लोगों को, हर चीज के लिए गूगल बाबा। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में, कि देयर आर टू जनरेशंस। हम पूरे हमारे सेंचुरीज हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, बीसी एंड एडी, बिफोर क्राइस्ट एंड अनो डोमिनी, आफ्टर डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने वर्ल्ड को इस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। मैं पत्रकारिता को दो तरीके से डिवाइड करता हूं, बीजी एंड एजी, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। हम बिफोर गूगल के जनरेशन वाले, अवस्थी जी, मैं, विनीता जी, हम सब लोग बिफोर गूगल के जनरेशन वाले हैं। क्योंकि हम लोग जब लिखते थे हमारे पास कोई गूगल नहीं था, लाइब्रेरी जाते थे, आर्काइव्स जाते थे, दूसरे लाइब्रेरीज में जाते थे मटेरियल ढूंढने के लिए। आज मटेरियल आपको सिर्फ चार कीवर्ड्स टाइप करने हैं, आपके पास मटेरियल आ जाएगा, दुनिया भर के मटेरियल। ये हमारे पास ये फैसिलिटी था नहीं, तो इसके कई एडवांटेजेस हैं। बट इसके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी, ये भी टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है। और वो ये कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गूगल हमें, ये अभी खुद प्रधानमंत्री ने अभी अपने इंटरेक्शन में जो कहा वो बिल्कुल सच है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट हमको इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज नहीं देती। और अगर हम मीडिया के पार्लेंस में पढ़ेंगे तो गूगल हमें इंफॉर्मेशन देती है, न्यूज नहीं देती है। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट दैट कैन नॉट बी न्यूज। और गूगल में एक और फ्लिप साइड है, आज वो मीडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। और वो चुनौती ये है कि मेरा अखबार चलता है, छपता है कल सुबह, कल सुबह वो लोगों के पास पहुंचेगा, लेकिन मेरा जो पाठक वर्ग है उसके पास इतना एक्सेस है थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि उसको मेरे रिपोर्टर से पहले उसको पता है, पाठक को, रीडर को पता है कि क्या हो रहा है। तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं पाठक को या दर्शक को वो चीज दूं जो ना उसने पढ़ा है ना उसने देखा है। यह आज टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बंदा लोग नहीं पढ़ेंगे। आज विदेशों में अखबार बंद होने का सबसे बड़ा कारण वर्चुअली, कई अखबार तो ऑनलाइन हो गए हैं,
न्यूज़वीक जैसे रिप्यूटेड जर्नल जो है ऑनलाइन हो चुके हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि आप क्या देंगे हर हफ्ते, आप क्या देंगे हर दिन, नया क्या दे पाएंगे आप, क्योंकि अगले दिन सुबह आपको कुछ नया देना है। ये तो हिंदुस्तान में एक मुल्क है जहां हम अक्सर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बावजूद अखबारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि आज भी इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है इस देश में। जहां बड़े बड़े शहरों में भी जहां ब्रॉडबैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। हम उन मुल्कों की बात कर रहे हैं जहां फाइबर ऑप्टिक्स पे काम चल रही है, और वहां एक सेकेंड पे जो है आपको पता नहीं कितने बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको लाखों में मिल जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में इट वुड बी रियली इम्पॉसिबल फॉर एवरी मीडिया हाउस टू मैच अप। तो क्या है उसके लिए चैलेंज? मैं कुछ ऐसा नया लेके आऊं जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंटरनेट में, यह आज मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। कहानी के पीछे का कहानी लेके आऊं, खबर के पीछे की खबर को लेके आऊं, इसलिए फोकस खबर पर कम है, खबर के पीछे के खबर पर है, रूमर्स पर है, स्पेकुलेशन पर है। क्यों? क्योंकि ये आपको इंटरनेट में कम मिलेंगे। सो दिस इज अनदर बिग चैलेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी के टाइम पर वी हैव टू हैव पूरा टेक्नोलॉजी के कारण बदलाव जो हुआ है, हमारा जर्नलिज्म पूरा रिडिफाइन। आज हम पुराने तरीके से जिस तरीके से पत्रकारिता पढ़ सकते वैसे अब नहीं पढ़ सकते मैं, क्योंकि समय का अभाव है। टेक्नोलॉजी अपने आप में जो है 2 घंटे का है। अब मैं आता हूँ कंटेंट में, कंटेंट भी लगभग हम कवर कर चुके हैं, लेकिन कंटेंट में मैंने जैसे कहा, कंटेंट में एक और कमी। मैं एक छोटा मिसाल देता हूँ। कुछ महीने पूर्व त्रिपुरा में चुनाव हुए, और जैसे विनीता जी ने कहा, मैं अक्सर अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ टीवी चैनल्स के फोन आ रहे हैं और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, वो इसलिए कि उनको कुछ ना कुछ 24/7 चाहिए। तो मुझे इस तरीके से त्रिपुरा के चुनाव के बारे में मुझे बुलाया गया एक बड़े चैनल। ऑब्वियसली बिफोर यू गो इनटू एनी चैनल यू हैव टू डू सम प्रिपरेशन। हमें ओवरऑल पॉलिटिक्स का तो पता है, लेकिन स्पेसिफिक डिटेल्स में तो आपको जाना ही। मैं वहां एक खबर पढ़ रहा, उस खबर में यह था कि वहां आपको शायद पता होगा वहां लेफ्ट पार्टीज का डोमिनेशन रहा है, लेफ्ट और कांग्रेस का मेन रहता है त्रिपुरा। अभी भी मणिक सरकार की गवर्नमेंट है जो लेफ्ट है, सीपीएम का लास्ट बेस्टियन है। नाउ इन दैट प्लेस एक खबर ये आ गई कि कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो रही है वहां कैंपेन के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता जो वहां कैंपेन करते थे, प्रणब मुखर्जी और प्रियरंजन दास मुंशी, शायद आपने नाम सुना होगा, बंगाल के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। अब उनको पक्षाघात हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, तब से लेकर वो पिछले कई वर्षों से वो बेड रिडन है। अब प्रणब दा तो राष्ट्रपति बन गए आपके, और प्रियो को जो है स्ट्रोक हो गया उनका, तो दो बड़े जो लीडर्स अब त्रिपुरा में कैंपेन नहीं कर रहे। तो उस खबर में लिखी हुई थी जब मैंने गूगल सर्च किया कि प्रियो के अभाव में प्रियो की पुत्री दीपा दास मुंशी कैंपेन करेंगी। अब बेचारे प्रियो होश में होते तो वापस बेहोश हो जाते, क्योंकि जिनका जिक्र पुत्री के नाम पर किया जा रहा था वो पुत्री नहीं है, उनकी पत्नी है। दीपा दास मुंशी इज प्रियो रंजन्स वाइफ, नॉट हिज डॉटर। बट द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट गूगल सेड दैट शी इज हिज डॉटर। नाउ दिस इज वेयर गूगल कैन एरर, दिस इज वेयर इंटरनेट में इतना अनरिलायबल प्रोपेगेंडिस्ट मटेरियल भी आ गया है कि यू कैनॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट द गूगल। इसलिए आप लोग भी एज फ्यूचर जर्नलिस्ट यू शुड बी वेरी केयरफुल द
that when you deal with the Google, don't blindly trust the Google ki Google mein aa gaya isliye sahi hai. There are good websites that you have to really follow. और कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है. आज प्रोपेगेंडा के नाम पर ब्लॉग्स, पर्सनल ब्लॉग्स है, न जाने क्या क्या है. वेबसाइट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स चला रहे हैं, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं. उसमें सब जो मटेरियल है म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे. अरे ये वेबसाइट तो ये कह रहा है, दूसरा वेबसाइट ये कह रहा है. इसलिए have a clear cut reference point, don't blindly go into जिसे कहते हैं कि Google. Content का ये एक बहुत बड़ा challenge है. मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में आज बदलते हुए परिवेश में बहुत बड़ा challenge है manpower. manpower से जुड़ा हुआ है ethics. ethics यानी कि नैतिकता. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग सभी उन्हीं एथिक्स के साथ, क्योंकि वक्त के साथ बदल रहा है सब कुछ. हमसे पहले जो पत्रकार आए वो लोग एक जुनून के साथ आए. स्वतंत्रता संग्राम था, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों को हटाना था, एक मिशनरी जील के साथ आए. उसके बाद जो दूसरा क्रॉप आया पोस्ट इंडिपेंडेंट, उनका था कि हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, समाज में परिवर्तन लाना है, देश के लिए कुछ करना है. उस जुनून के साथ आए. दे ऑल केम विद अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. धीरे धीरे वो प्रोफाइल बदलता गया और आज ये स्थिति आ गई है जहां एक प्योरली प्रोफेशनल एंगल से ही मीडिया को देखा जाता है. कि जैसे लॉयर का प्रोफेशन है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है, वैसे मैं जर्नलिस्ट हूं. यहां थोड़ा सा गड़बड़. मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोफेशनली मत रहिए, बी ए प्रोफेशनल, और आपका भी हक है एक अच्छे पे पैकेज का, एक अच्छे प्रोफेशनल बनने. लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा एक प्रोफेशन है जो बाकी प्रोफेशन से हटके है, इसीलिए हमको चौथा स्तंभ कहा जाता है. हमारा कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हमें समाज में एक विशेष अधिकार मिला हुआ है. आज भी भले हम बहुत सारे कमियों के बारे में उभर के आते हैं, लेकिन आज भी आम आदमी से बात करेंगे वो मीडिया पर यकीन करता है. मीडिया जो दिखाता है उस पर उसको भरोसा है. हाँ, मीडिया में दिखाया तो सच ही है. तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सिर्फ कोई भी प्रोफेशनल के साथ नहीं है. एक लॉयर वो पैसा कमा रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ये जिम्मेदारी नहीं है कि समाज उसको कैसे देख रहा है. He is a successful lawyer. He is not bothered. He can win the cases. That's it. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट. लेकिन एक जर्नलिस्ट का जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है. एक जर्नलिस्ट क्या लिख रहा है, ये पाठक का क्यूरियोसिटी होना चाहिए. ये नहीं कि वो क्यों लिख रहा है. अगर क्यों लिख रहा है आ जाता है, उसके मंशा पे शक हो जाता है, तो उसकी जर्नलिज्म पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, तो उस दिन उसकी साख खत्म हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है. इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है कि जर्नलिज्म दूसरे पेशों से अलग है. इस बात का एहसास हम सब पत्रकारिता से जुड़े लोगों को होना चाहिए. लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि ग्रोइंग टेंडेंसी है पत्रकार में पत्र पर कम जोर और कार पर ज्यादा जोर. एंड जब कार पर ज्यादा कार होना चाहिए, लेकिन वो पत्र के साथ, पत्र पहले है उसके बाद है. पर जब कार आगे आ जाता है तो पूरा ही सब कुछ खत्म. मेरा कंपटीशन मेरे मकान के सामने जो रहते हैं उनके पास पजेरो, लेकिन वो एक चक्की चलाते हैं. अब मेरा प्रतिस्पर्धा उनके साथ क्यों नहीं है. मेरी छोटी गाड़ी है,
लेकिन मेरी प्रतिस्पर्धा जो है उनके साथ है। मैंने अलग लाइन खुद बाय चॉइस मैंने चुना है, लेकिन मेरा रिस्पेक्टेबिलिटी है सोसाइटी में, मेरा लोगों के अंदर लोगों को मेरे प्रति एक भरोसा है, एक विश्वास है। इस विश्वास को मुझे बनाए रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सेंसिटिव रहना है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसके लिए जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा मिसाल। कुछ वर्ष पहले जब मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था, तब हम लोगों के फील्ड में, खासकर मैं एक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक एजेंसी का पत्रकार रहा, और हम लोग एक तरफ प्रधानमंत्री को कवर करते हैं तो दूसरे ही पल में हमसे बताया जाता है कि भाई वो आपके चांदनी चौक में आग लगी है, जरा देख लीजिए। रात का ड्यूटी है, कोई नहीं है ऑफिस में, आप ही चले गए, आप छोड़ नहीं सकते हैं, खबर को खबर है। वो आप ये नहीं कह सकते मेरा जूनियर कहाँ है, लोकल बीट वाला किधर है, खबर हो गई आप पहुंचे। मुझे आज भी याद है वो नजारा, जब मैं चांदनी चौक पहुंचा, रात को 10:30-11 बज गए थे, घर पहुंचने का टाइम हो गया था। तब मैं पहुंचा वहां तो आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड लगे हुए थे, पुलिस ऑफिसर थे, मेरे एक जानकार पुलिस अफसर वहां से निकलकर आए, वो मुआयना कर रहे थे इलाके का। उन्होंने मुझसे कहा कि थैंक गॉड सुरेश जी, नो लॉस ऑफ लाइफ, कोई जान को नुकसान नहीं पहुंचा, एंड हमें इतना अच्छा लगा, थैंक यू। ये हमारे मन में आया। उसी वक्त एक यंग टेलीविजन जर्नलिस्ट वहां पहुंचती है अपना कैमरा लेकर, डीसीपी साहब कितने मरे, और डीसीपी साहब कहते हैं सॉरी यंग लेडी, नो कैजुअलिटीज। और मुझे आज भी, मैं उस नजारे को भूल नहीं सकता जब वो अपना शिपुट सर फुट डाउन इन एंगर, कोई नहीं मरा, मेरे को रात को 11 बजे इधर भेज दिया और एक भी नहीं मरा। कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन लाइफ्स, इंसान की जिंदगी है वो, किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का माँ बाप है, किसी का भाई है, बहन है। हमने इंसानों को आंकड़ों में बदल दिया, फॉर अस दे हैव टर्न्ड इनटू फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 45 किलोमीटर, 60 डाइंग पासपोर्ट, 60, 50, 40, 35, 120 किल्ड इन कश्मीर फ्लड, 300 डेड इन साइक्लोन। व्हाट आर दोस 300? दे आर ह्यूमन बीइंग्स इन फ्लैश एंड ब्लड। उनके साथ कितने परिवार डूब गए उनके डेथ के साथ, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने औरतें बेवा हो गई, वो हमारे दिमाग में नहीं जाता। फॉर अस इट इज ओनली स्टैटिस्टिक्स। यहां एथिक्स का सवाल होता है कि ये बदलते हुए मीडिया पैरेंट में वो जो हमें हड़बड़ी है, जल्दबाजी है। मुझे याद है, अवस्थी साहब को याद होगा, जब हम पीटीआई और यूएनआई में जबरदस्त कॉम्पिटिशन होते थे, आपके भाई साहब भी यूएनआई में हुआ करते थे, तो एक बार, बहुत पहले की बात है, एक रेल दुर्घटना हुई तो पीटीआई में खबर चली कि 15 लोग मारे गए, 25 लोग घायल हुए, उसमें 10 गंभीर रूप से गए। अब पहले की बात, अब ये खबर चली गई। उसके बाद किसी तरीके से यूएनआई का जो संवाददाता है जो पहुंच नहीं सका, उसको ये खबर पता चला कि भाई ऐसे हुआ है, पीटीआई ने ये फाइल किया। अच्छा, एजेंसी में क्या होता है कि जो रात को सबसे अच्छे फिगर के साथ जो खबर जाती है उसे पिकअप करते हैं अखबार वाले। तो हमारे इस दोस्त ने क्या किया, वो 15 के फिगर कह दिया कि 20 मारे गए, 20 घायल, 5 गंभीर रूप से, और उन्हें फिगर को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया और उसको छपाया, और अगले दिन जो है ना यहाँ जगह छपा। सवेरे इंपैक्ट रिपोर्ट बनता है तो पीटीआई वाले के बॉस ने बुलाया, कह दिया हमारी खबर क्यों नहीं छपी। उसने फिर पता किया रेलवे जोन में, उन्होंने कह दिया बिल्कुल साहब आपने सही लिखा था, कह दिया ये यूएनआई वाले को पूछा गया, उन्होंने कह दिया यूएनआई से बात करो, वहां कह दिया कि ये कौन सा सोर्स है, तो सोर्स तो कोई था नहीं,
कहे आपने 15 को 20 कैसे कर दिए, तो वो रिपोर्टर ने कहा कि देखो 10 गंभीर रूप से घायल थे तो उसमें 5 तो पकड़ ही जाएंगे फिर सब, तो मैंने पहले ही चला दिया कि 5 और जो है वो मर गए। तो वो जो सोच है कॉम्पिटिशन में आप किससे डील कर रहे हैं, ये आज भी याद है एक बड़े चैनल ने कुछ वर्ष पूर्व ये खबर चला दी कि सवेरे सवेरे एक स्कूल बस उलट गया और उसमें कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आप जरा सोच के देखिए इस तरह की खबर के चलने से उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। तो हम जो ये स्पीड है, इस स्पीड में हम एक्यूरेसी को भूल जाते हैं, इस स्पीड में हम ऑब्जेक्टिविटी को भूल जाते हैं और नतीजा होता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो। मैं संक्षिप्त में 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। पहले होता था लिफाफा जर्नलिज्म, आप लोग भी सामना करेंगे, आप में से कुछ मास्टर्स कर रहे होंगे, कुछ बैचलर्स कर रहे होंगे, मीडिया में जाएंगे तो कुछ दिन बाद ये क्लासेस में सिखाए नहीं जाते, ये सिखा नहीं सकते, लेकिन प्रायोगिक बातें हैं। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो प्रेस रिलीज के साथ एक छोटा लिफाफा भी आएगा, कई जगह कुछ जगह गिफ्ट भी आता है। वो धीरे धीरे बढ़ता गया और लिफाफा जर्नलिज्म से हम पेड न्यूज में आ गए, जहां संस्थाओं को, पत्रकारों को नहीं, संस्थाएं पैसा लेके खबर चलाने लगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। नतीजा क्या हुआ, मैं 2 मिसाल आपके सामने रखकर आप पर छोड़ता हूं भविष्य के पत्रकार के नाते कि आप तय कीजिए क्या करना है। हम लोग इंडियन मीडिया सेंटर एक संस्था चलाते हैं, हम लोग पेड न्यूज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और पंजाब में गए क्योंकि महाराष्ट्र में और पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस हुआ, और चर्चाओं के दौरान बादल साहब जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उन्होंने ये बताया कि देखिए कई पत्रकार हैं पैसे मांगते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि खबर दे तो पैसे दे दें, कोई 5,000 किसी को देते हैं, किसी को 10,000 दे देते हैं, तो कोई 2-3 हजार लेता है, हम दे देते हैं, क्या करें मजबूरी है, नहीं तो छपेगी नहीं खबर। लेकिन उन्होंने एक और चीज जो बताई जो बहुत काम की है, और मैं जानता हूं कि मैं समझता हूं कि ये हर पत्रकारिता के छात्र को ये पता होना चाहिए, उन्होंने कहा कि एक बात है, हमें पत्रकार की औकात पता चल जाता है कि ये 3,000 में बिकेगा या 5,000 में बिकेगा या 10,000 में। क्या मैं अपने ऊपर रेट फिक्स करना पसंद करूंगा, ये मुझे और आपको तय करना कि मैं 3,000 के लिए बिकाऊंगी, मैं 5,000 के लिए बिकाऊंगी। कोई पॉलिटिशियन, भ्रष्ट पॉलिटिशियन मुझे 5,000 में खरीदेगा, ये नैतिकता मुझे तय करना है, ये लक्ष्मण रेखा आपको खींचना है जब आप इस प्रोफेशन में जाएंगे। मेरा एक छात्र होता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, मैं लगातार रेगुलरली पढ़ाता हूँ, मेरे एक अच्छे छात्र हुआ करते थे, काफी वो प्रभावित होते थे, और उन्होंने दिल्ली के एक बहुत बड़े अखबार में ज्वाइन किया, और वहां ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक खबर, एक रियल एस्टेट वाले के बारे में उन्होंने खबर निकाली और वो अपने एडिटर को लाकर दिया उन्होंने, तो उनके ब्यूरो प्रमुख ने देखा, कहते कि चलो कुछ करते हैं, और वो खबर नहीं छापी। मेरे छात्र ने मुझे फोन किया, कहते कि सर एक दुविधा में हूं, मैंने कहते बोलो, कहते सर आपने तो कहा था बोल्डली पत्रकारिता करना है, मैंने तो वैसे ही किया, मेरी खबर छपी नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है, कहा कि पापा रिटायर हो गए हैं,
बहन की शादी करानी है, उन्होंने अपने सारे जिम्मेदारियां की। मैंने कहा बेटा गलती मत करना, ये सब होता रहता है प्रोफेशन में, इतना जल्दी हताश निराश मत हो, आगे मौका मिलेगा तुम्हें लिखने का, लेकिन अभी नौकरी मत छोड़ना। मेरे सब बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैंने कह दिया नहीं करो। अगली बार कुछ महीने बाद मेरे एक और छात्र मिले, तो मैंने कहा कि अरे आजकल उसके बारे में कोई खबर नहीं है, वैसे तो फोन करता रहता था काफी सर, उसने पत्रकारिता छोड़ दी। मैंने कह दिया क्या? कह दिया कि सर उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया और आजकल अपना PhD वगैरह कर रहा। मैंने उसका फोन ढूंढ के निकाला, उसको फोन किया। मैंने कह दिया तुम बाथरूम में जाने से पहले मुझसे फोन करो, और आज तुमने 2-3 महीने हो गए तुमने नौकरी छोड़ दिया मुझे बताया है, कम से कम एक बार पूछ तो लेते मुझसे, इतना बड़ा अखबार में करियर छोड़ा है तुमने। उस छात्र ने मुझसे कहा कि सर इस बार मेरे ब्यूरो चीफ ने कहा, क्योंकि उसको इश्तिहार मिल रहा था, एडवर्टाइजमेंट मिल रहा था, उसने कहा कि जिस कंपनी के खिलाफ मैंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी निकाला था कि वो कस्टमर्स के साथ चीटिंग कर रहा है, उसके बारे में एक कवर स्टोरी तैयार करो, उसको तारीफ कर दो। कहने कि सर इतने बड़े फ्रॉड आदमी के बारे में, इतने बड़े फ्रॉड डीलर के बारे में उसका तारीफ करने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो मैंने कहा मुझे तो फोन करते। कहते कि सर आपको फोन करना, फिर आप बहन भाई का दुआई देते, माँ बाप की दुआई देते और मुझे रोक देते, लेकिन अब मैं रुकने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं और समझौता नहीं कर सकता। नए जनरेशन का, नए पीढ़ी का, आप ही के पीढ़ी का है, लेकिन उसने अपना लक्ष्मण रेखा तय कर, यहां तक समझौता करूंगा, इसके आगे ये आप ही जब मीडिया के लाइन में जाएंगे आपको तय करना है कि मैं कहां तक करूंगा। तो इसलिए when you come to become professionals, ethics are very important. क्योंकि ethics define एक आदमी की पहचान ethics से इस profession में। तो ये changing जो scenario है, उसमें ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर ethics बनी। आखिर में answer पे आता है। मैं regulation पे आता हूँ। आज के अखबार में अगर आपने देखा हो, जिन्होंने अखबार पढ़ा है, उन्होंने कि जो नई सरकार है वो एक नया ओवरऑल रेगुलेटर लेके आ रही है मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, टेलीकॉम के लिए, सबके लिए एक अलग। अभी तक जो रेगुलेशन था उसको हम कहते हैं दंतहीन बाघ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज ए टूथलेस टाइगर। आप शायद जानते होंगे कि अगर कोई भी डॉक्टर पहली बार डॉक्टर एक डिग्री के बगैर डॉक्टर बन नहीं सकता, लॉयर एक डिग्री के बगैर लॉयर बन नहीं सकता, दूसरी बार वो डिग्री लेने के बाद चाहे वो लॉयर हो या डॉक्टर हो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो है लाइसेंस प्रैक्टिस करने के लिए। डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देता है और लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, लेकिन हमारा आपका जो बरादरी है, प्रोफेशन है, यहां अनुच्छेद 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके तहत भारत के हर नागरिक को वही अधिकार मिला हुआ है जो मुझे आपको मिला हुआ है, और उसके तहत हम सब अखबार निकाल सकते हैं, चैनल शुरू कर सकते हैं। इसलिए आज प्रॉपर्टी डीलर, चिटफंड वाले, हर किस्म के लोग जो है आज चैनल खोल के बैठे हुए हैं। तो अखबार कोई भी शुरू कर सकता है, पत्रकार कोई बन सकता है। आप यहां आके अपना काम सीखने के लिए आए, इसलिए आप डिग्री कर रहे हैं, वरना आपको पत्रकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। इवन विदाउट ए डिग्री यू कैन बी ए जर्नलिस्ट, जो मैंने सिटीजन जर्नलिज्म की बात कही, कोई भी लिख सकता है। कितने लोग लिखते हैं स्तंभ वगैरह, उन्होंने जर्नलिज्म में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। मैं जब पत्रकारिता में आया मेरे पास ना डिप्लोमा था ना और डिग्री, बाद में मैंने एक्वायर की,
मैं तो इंग्लिश लिटरेचर का एक स्टूडेंट था जब मैं जर्नलिस्ट बना. आई नो डिग्री नो डिप्लोमा बट दैट वाज 25-30 इयर्स बैक. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत यू हैव अ राइट टू, वो प्रेस के लिए एक अलग राइट है लेकिन इंडिया में वो नहीं है. आर्टिकल 19(1)A के तहत वही है जो सभी नागरिकों के लिए है. और इसी वजह से मुझे कोई डिग्री नहीं है इसलिए मेरे को कोई लाइसेंस नहीं देता. और जब मुझे कोई लाइसेंस नहीं देता तो किसी को मेरा लाइसेंस कैंसिल करने का भी अधिकार नहीं है. तो इसलिए जब एक मेडिकल प्रोफेशनल अनएथिकल काम करता है और उसके खिलाफ शिकायत जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, एक लीगल प्रोफेशनल, आपको याद होगा आर के आनंद जैसे एक बहुत बड़े वकील का भी लाइसेंस को रद्द कर दिया था बार काउंसिल कि आप अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आपको जो है हम बाद में प्रैक्टिस करने नहीं देंगे. लेकिन कितना भी अनएथिकल काम कीजिए हमारे प्रोफेशन में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है जहां से सरकार या कोई रेगुलेटरी बॉडी आपको जो है रोक सकता है काम करने से. आपकी संस्था आपको हटा सकती है कि हाँ आप कल से लेकर हमारे साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन आप कहीं भी और भी काम कर सकते हैं. वो लाइसेंस नहीं रद्द होता है. अखबारों में कुछ भी छाप लीजिए, हम बताते तो हैं डिफामेशन लाइबल दुनिया भर की चीजें हम सीखते हैं, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस को छोड़कर अगर आप प्रेस काउंसिल में उसका शिकायत लेके जाएंगे वो एक नोटिस इशू करेंगे अखबारों को. कारण बताओ, माफी मांगो. और किसी भी तरीके से कोई पत्र पत्रिका बाध्य नहीं है कि उसे छापे, नहीं भी छापे तो वो कुछ नहीं कर सकते. दे डोंट हैव एनी लीगल पावर्स. तो इसलिए हम उसको टूथहीन टाइगर बोलते हैं जो सिर्फ जोर से जो है रोर करते हैं. मारकंडे चाचू सब चिल्लाते रहते हैं, रोर करते रहते हैं, लेकिन उनके बॉडी को कोई पावर नहीं. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने अपने इंडियन मीडिया सेंटर, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वगैरह में हम लगातार वकालत करते रहे हैं एक लार्जर पावरफुल मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में. लेकिन अब अच्छी बात है कि आज जो अखबार में आया कि कन्वर्जेंस बिल के तहत एक टोटल रेगुलेटर की तैयारी हो रही है जो रेगुलेट करे. रेगुलेट यानी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप गलत काम करेंगे चाहे कोई भी करे. आज प्रेस का क्या है कि हम प्रेस पर सवाल उठाते हैं, मैं खुद उस बरादरी से हूं, हमको तुरंत बहुत टची है, बहुत सेंसिटिव है. अरे नहीं, हमारे फ्रीडम को क्वेश्चन किया. फ्रीडम रेगुलेशन से उसे नहीं डरना है जो ठीक काम कर रहा है. रेगुलेशन उसके लिए है जो गलत गंदी मछली आज आ गई है आपके फील्ड में, उसके लिए है रेगुलेशन ताकि वो मीडिया का नाजायज फायदा उठाकर जो है अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो. आप देख रहे हैं किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस चैनल चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज दक्षिण भारत में चैनल चला रहे हैं. अब आप उनसे किस तरीके का जो है ऑब्जेक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वो अपने ही आइडियोलॉजी के, अपने ही पार्टी के बारे में बात करेंगे, वो आपको न्यूट्रल न्यूज कहां देंगे. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा रेगुलेटर उभर कर आए. ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है. ये भी एक चुनौती है कि हमारा जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, ये बीबीसी के पैमाने पर एक क्रेडिबल वॉइस ऑफ द पीपल बनकर उभर कर आए. हम वो नहीं उम्मीद करते हैं कि कल को दूरदर्शन जो है आज तक के साथ या एबीपी के साथ कॉम्पिटिशन करे. नहीं, उनका रोल वो नहीं है. वो एक विकासशील देश के एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर, उनकी जिम्मेदारी है लोगों का एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेट करना. तो वो उस रोल में उभर कर आए, ये आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं. वैसे तो ये सब विषय ऐसा है जहाँ घंटों हम बात करें तब भी कम लगेगा, लेकिन मैंने जैसे कहा नई नई चुनौतियाँ उभर कर आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, कंटेंट के क्षेत्र में हो, मैन पावर के क्षेत्र में हो या रेगुलेशन के क्षेत्र में. ये मीडिया का बदलता हुआ एक परिवेश है. हमको इसके मद्देनजर हमें टेक्नोलॉजिकली सेवी होते हुए हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है. सोशल मीडिया में
सोशल मीडिया में सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो वो ये है कि उसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि बंगलोर में किस तरीके से भगदौड़ मचा, किस तरीके से उत्तर पूर्व के बच्चों को जो है मार्च छोड़ के जाना पड़ा, किस तरीके से कोई मौत वीडियो जो है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा पैदा करती है। इस तरीके की खबरें जब आते हैं तो मीडिया की जिम्मेदारी, हम लोग जो सोशल मीडिया में हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम कुछ भी लिखें सोच समझ के लिखें, कुछ भी डालें, फोटोग्राफ डालें सोच समझ के डालें, क्योंकि उसका कोई एडिटोरियल प्रोसेस नहीं होता। हम जो ट्रेडिशनल मीडिया के लोग हैं, हम खबर लिखते थे तो वो संपादकीय में एडिटोरियल में जाता था, उसका प्रॉपर एडिटिंग होता था और उसके बाद उसका जो है प्रेषण होता था, उसके बाद उसको जो है छपा जाता था। लेकिन आज आपने जो मन में आया डाल दिया वो छप गया। आज इस बदलते परिवेश में ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत है। मैं भी सरकारी हस्तक्षेप के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर, ईच वन ऑफ अस, सिर्फ रिमोट कंट्रोल बदलने से काम नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं कि एक परिपक्व मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए एक जागरूक जनता जरूरी है, मैं मानता हूं कि एक मैच्योर रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल मीडिया के लिए एक जागरूक दर्शक की जरूरत है, एक जागरूक पाठक की जरूरत है। धन्यवाद।